तो आज हमारे पास आया है ये डाइकन के इन्वर्टर एसी का बोर्ड। ये इसमें एक बोर्ड ये लगा होता है, जो मॉड्यूल लगा होता है हमारा जो कंप्रेसर को चलाने के लिए, और ये हमारा इसका मेन बोर्ड है। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इसके इंडोर में लाइट ब्लिंक करती है, और जब हमने इसका रिमोट से एरर चेक किया है तो उसमें रिमोट में हमारा U4 का एरर दिखा रही है जी, जो कि हमारा कम्युनिकेशन का एरर होता है। और इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है कि इसमें हमारी जो आउटपुट की सप्लाई है SMPS सेक्शन की, वो कोई भी नहीं आ रही है। और जिसमें सबसे पहले तो हमारे जो 310 वोल्ट हैं DC यहाँ पे बन रहे हैं, और इसमें STR लगा हुआ है 472, और इसका जो SMPS है वो भी बिल्कुल ठीक है, हमने चेक कर लिया है, और हमारी DC सप्लाई भी बन रही है बिल्कुल ओके। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारा ये जो STR है ये ख़राब हो सकता है, जिसके कारण हमारी आउटपुट पे कोई भी सप्लाई नहीं बन रही। तो सबसे पहले तो हम इसका जो STR है उसे चेंज करेंगे, और फिर इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो बनती है या नहीं। तो हमने अभी इसका STR बाहर निकाल लिया है, और इसमें अभी नया STR लगा के हम चेक करेंगे इसको। तो हमने अभी इसमें नया STR डाल दिया है, और अभी इसको हम ऑन करके चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई है वो इसमें आ रही है या नहीं। तो इसको अभी हम ऑन करके देख लेते हैं, और आप देख सकते हो हमारी जो PCB है वो ओके हो चुकी है। हमारी ये जो इसमें ऑपरेशन की लाइट लगी होती है ये भी ऑन हो चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारी जो सप्लाई है इसमें बन चुकी है। और अभी इसमें इंडोर की PCB लगा के चेक करेंगे कि इसमें जो हमारा एरर आ रहा था वो सॉल्व हुआ है। तो अभी हमने इसमें इंडोर हमारा कनेक्ट कर लिया है, और ये इसकी इंडोर की फ़ैन मोटर है, और ये हमारी आउटडोर की फ़ैन मोटर है। और अभी PCB को ऑन करके देखते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं। और आप देख सकते हो हमारी इंडोर में लाइट आ चुकी है, और ये हमारी इंडोर की फ़ैन मोटर है। इसकी इंडोर की फ़ैन मोटर ऑन होने से पहले ही हमारा जो है इसकी PCB में जो था U4 का एरर आ जाता था, हमारी ये जो लाइट थी ग्रीन ये ब्लिंक करने लग जाती थी। और अभी देखते हैं हमारी जो इंडोर की फ़ैन मोटर है वो ऑन होती है या नहीं। और आप देख सकते हो हमारी इंडोर की फ़ैन मोटर अभी चल पड़ी है बिल्कुल ओके, और हमारी कोई भी लाइट ब्लिंक भी नहीं कर रही। और अभी 3 मिनट के बाद हमारी जो आउटडोर की फ़ैन मोटर है वो भी चलेगी। इसमें हमने कंप्रेसर नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी फ़ैन मोटर अगर चलेगी तो हमारी PCB बिल्कुल ओके होगी, इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो अभी आप देख सकते हो हमारी जो फ़ैन मोटर है आउटडोर की वो ऑन हो चुकी है, और जिसका मतलब है कि हमारी ये जो PCB थी ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। और ऐसी और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।